टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 157 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे इंग्लैंड ने 8 विकेट शेष रहते हुए आसानी से हासिल कर लिया। इंग्लैंड के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली काफी निराश दिखाई दिए। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान इस हार पर कोहली ने कहा कि यदि आप टॉस हार जाते हैं तो इस फॉर्मेट में जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही में कोहली बोले कि नई गेंद से इंग्लैंड के गेंदबाज शानदार थे और उन्होंने हमारे लिए बल्लेबाजी करना मुश्किल बना दिया था। वहीं टीम की खराब बॉडी लैंग्वेज को हार का कारण बताते हुए कोहली ने कहा कि दूसरी पारी में 160 रन से कम के स्कोर को डिफेंड करने के लिए टीम की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। वहीं इस सीरीज में अब तक अपनी बल्लेबाजी में नाकाम रहे KR राहुल को लेकर भी विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया। विराट ने कहा कि 2 दिन पहले तक मैं भी ऐसी ही फॉर्म से गुजर रहा था। विराट ने KR राहुल को चैंपियन खिलाड़ी बताया और कहा कि वो रोहित शर्मा के साथ टॉप ऑर्डर में एक मुख्य खिलाड़ी के तौर पर ही टीम में रहेंगे। दोस्तों, आपके मुताबिक इस मुकाबले में भारत की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।